ड्रेस पसंद आ गया है और अच्छी खासी अंकल आईमा में चप्पलों पे सेल लगी हुई है, 700-700 रुपए की, 800-800 रुपए की, हर तरह की। ठीक है, इनकी भी अलग अलग प्राइस है, जैसे कि ये वाला 800, 1200, 1000। ये मिनी बैग्स भी हैं जो 1200, 1000 के हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं मम्मा के साथ आरजे मॉल आई थी शॉपिंग करने। ठीक है, बेसिकली मैं नीचे से आती हूँ और नीचे से ही चली जाती हूँ, तो आज मैं ऊपर आई हूँ और ऊपर अलग ही लुंडा बाजार लगा हुआ है। इस मॉल के सेकंड फ्लोर पे पूरा अलग ही दुनिया का तरीके से बाजार बना हुआ है, लाइक लुंडा बाजार। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि आरजे के ऊपर एक अलग ही लुंडा बाजार खुला हुआ है अलग तरीके से। बट खैर, इसे यहाँ के नीचे वाले फ्लोर पे ना बड़ी कन्वर्टिव कमीजें हैं, फ्रॉकें वगैरह मिल जाती हैं, 2 पीस 1 पीस ड्रेस। और मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई। जैसा मैं बता रही थी, अब यहाँ पर ये एक शॉप है भैया की, और इस शॉप पर सारे के सारे इंपोर्टेड बैग लगे हुए हैं, सारे के सारे बाहर के बैग हैं, और इसकी प्राइस भी नॉर्मल है। जैसे कभी मेरी मम्मा ने मेरे लिए एक बैग पसंद करा है, और बैग दिखाना, ये वाला और वो वाला, वो दिखाओ, ये देखो, ये बैग मम्मा ने मेरे लिए पसंद किया है। सही है भाई, सारा बाहर का इम्पोर्टेड माल आरजे के ऊपर मिलता है, जो कि मुझे अभी पता चला है। इसकी क्या प्राइस दोगे भैया? 4500 फाइनल। अरे देने वाली बात करो, ये भैया है इनसे आप आगे लो। और भी बड़े प्यारे प्यारे इनके पास बैग्स लगे हुए हैं। अब मेरी मम्मा बार्गेनिंग करेंगी इस बैग के बारे में, और फिर हम बैग लेंगे और आगे जाएंगे। ये सारे भैया 800-800 रुपए के, इनकी भी अलग अलग प्राइस है, जैसे कि ये वाला 800, 1200, 1000। ये मिनी बैग्स भी हैं जो 1200, 1000 के हैं। सही है, मुझे पता नहीं था बट आज पता चल गया। यार ऐसा है कि वो बैग तो अच्छा था, पर भैया से बार्गेनिंग सही नहीं हो सकी, वो प्राइस कम नहीं करना चाह रहे थे, और इतनी प्राइस पे मैं पुराना बैग लेना नहीं चाह रही थी। भले ब्रांड का हो पर है तो सेकेंड हैंड ही ना। खैर चलो, ये है आरजे की फर्स्ट फ्लोर, अब हम लोग जाएंगे साइमा। तो ऐसा है, फाइनली मुझे ड्रेस पसंद आ गया है, और अच्छी खासी अंकल ने बार्गेनिंग भी करके ड्रेस भी सही दे दिया है। अब मैं एटीएम मशीन ढूंढ रही हूँ जहाँ से मैं पैसे निकालूँ और वो पेमेंट करके घर लेके जाऊँ। हमारा ड्रेस कैसा है? हमने कोई साइमा की 12-15 दुकानें टिटोली टिटाली, उसके बाद जाके हमें ये एक ड्रेस पसंद आया। उसका कलर भी अच्छा है, ड्रेस भी अच्छा है, और सब सही है। अब जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। चलो एटीएम चलें जल्दी से। मैं ऐसे एटीएम यूज करने आई थी, और यहाँ पर मैंने देखा है साइमा में चप्पलों पे सेल लगी हुई है, 700-700 रुपए की, 800-800 रुपए की, हर तरह की। बट बात यह है कि ये थी नाजुक नाजुक चप्पलें, ना मेरे पैरों में चलती नहीं है और ना मैं ले सकती हूँ। मम्मा क्या ले रहे हो? आओ चलें मम्मा। कैश निकालने के चक्कर में हम लोग दुकान भूल गए, और मम्मा और मैं गोल गोल दुकान ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। और इतनी देर घूमने के बाद जाके मुझे याद आया कि मेरे पास दुकान का कार्ड था। हमने उस कार्ड से किसी से पूछी क्यों नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट, खुशी है मेरे को यार। नहीं यहाँ नहीं था, कंफर्म इस तरफ है। मेरी मम्मा को लगता है कि दुकान भी है इस तरफ है, और हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। और हाँ, दुकान वो रही। फाइनली हम लोगों को दुकान मिल गई। ये रही दुकान जहाँ से मैंने ड्रेस बाय किया है। मम्मा ये दुकान है, गलत जा रहे हो। हाँ ये दुकान है, अब अंकल को पैसे देंगे और घर जाएंगे। हम लोगों ने सूट ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं चप्पल लेने,
अब मेरी मम्मा कह रही यहाँ देख ले, यहाँ भी कुछ पसंद आ जाए, मतलब एक जगह से एक चीज ले लो, अभी दूसरी जगह पे मेरा माइंड डाइवर्ट करने आई है। अब मम्मा और मैं मिलेनियम मॉल आए और आते के साथ पहले हम लोगों ने सबसे अच्छा काम किया है आइसक्रीम ली है। अब हम मैं यहाँ पे मम्मा को दिखाऊंगी अपने लिए कुछ, मतलब मैं कह रही हूँ मम्मा आइडिया दे ज़ारा से अपने लिए कुछ खरीद लें। देखो आइसक्रीम अच्छी ना, मम्मा के साथ मम्मा को अभी एक ही मज़े की सीख मिली है और वो सीख ये कि हर जगह मुँह नहीं खोलते। मम्मा को ये सीख याद रहेगी, यादगार रहेगी कि मम्मा कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। मम्मा बोल रहा हूँ तो चलो। ऐसा है कि हमने ड्रेस ले लिया है बट चप्पल और ज्वेलरी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही। हम आरजे से घुसे, फिर साइमा में गए, फिर मिलीलियम गए और अभी मिलीलियम के जो बराबर में हम वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। अब मेरा दिल है कि घर को चले, रात काफ़ी हो गई है, फिर कल लकी वन जाके बाकी चीज़ें वहाँ से लेते हैं। क्या कहते हो मम्मा? ओके और देख लेते हैं, मेरी अम्मा का दिल है तो फिर देखो। चलो अंदर, अगर यहाँ से कुछ समझ आता है तो यहाँ से ले लेते हैं। खैर मम्मा को यहाँ पर तो कुछ पसंद नहीं आया, अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। रात काफ़ी हो गई है वरना हम लोग थोड़ा और सर्वे करते हैं, बट अब मैं ये कह रही हूँ ऊपर चलते हैं और कल शाम में इंशाल्लाह टाइम से निकलेंगे लकी वन के लिए। शॉपिंग करने में मज़ा आया, अब घर चलते हैं और मिलेंगे कल। बाय बाय। ऐसा है कि हम लोग घर जा रहे थे बट रास्ते में हमें चिकन शवारमा वाला दिख गया, तो अब मेरा और मम्मा का ये है कि जब तक हम रक्षा या गाड़ी करते हैं तब तक हम शवारमा आराम से खड़े होकर खाते हैं। ये शवारमा है और ये मेरी अम्मा खड़े होकर अपनी नज़रों के सामने बनवा रही है कि ताकि चिकन विकन सही डले। मम्मा क्या चिकन विकन सही डलवा रही हो? अब शवारमा लेंगे, खाएंगे, फिर घर जाएंगे। शवारमा इतना मजे का था कि उसको खा लिया और अब इतना मजे का था कि मिर्ची से हाल बेहाल हो गया है, बट हमारी गाड़ी भी आ गई है अब चलेंगे। मम्मा को भी मिर्ची लग रही तो कि डलवाने वाली मम्मा खुद थी। चलो आ जाओ मम्मा, गाड़ी आ गई। चलो अल्लाह हाफिज़।